भारत का इतिहास अनेक शक्तिशाली राजाओं महाराजाओं के विशाल शासन की अमूल्य संस्कृति और परंपराओं से भरा पड़ा है। इनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। शताब्दियों में आए अनेक परिवर्तन के बाद भी कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसके लिए ऐतिहासिक बाजारों का उदाहरण लिया जा सकता है। कई मार्केट तो 500 साल पुराने हो चुके हैं, इनमें भौतिक बदलाव भी हुए हैं, लेकिन ये परंपरागत बाजार 500 साल पहले वाली वस्तुओं के लिए आज भी मशहूर हैं। इन बाजारों में आज भी पारंपरिक वस्तुएं बिक रही हैं और लोगों को इन बाजारों से काफी लाभ भी मिल रहा है। इनमें से 10 प्रमुख ऐतिहासिक बाजार इस प्रकार हैं, जहां पर छोटे कारोबारी आज भी अपने व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। दिल्ली का मीना बाजार। दिल्ली के मीना बाजार को सबसे पुराना बाजार माना जाता है। इस बाजार की चर्चा मुगल काल के अनेक सम्राटों के शासनकाल में होती रही है। विशेषकर बादशाह अकबर के कार्यकाल में इस बाजार का जिक्र इतिहास में कई बार आया है। इस बाजार में प्राचीन काल में शादी ब्याह से जुड़े सामान का कारोबार होता था। ये मार्केट नई दिल्ली के जामा मस्जिद कला और दालान के बीच स्थित है। इस बाजार में आज भी शादी ब्याह से जुड़ा सामान मिलता है, जो पुरानी यादों को ताजा करता है। मीना बाजार में साड़ी सूट की अनगिनत वैरायटियां मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी की अनगिनत वैरायटी भी मिलती है। यहाँ की साड़ियाँ, सूट, गले के हार, जंजीर, मंगलसूत्र, कानों की बालियाँ, टॉप्स, झुमके के अलावा अन्य तरह की ज्वेलरी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। सबसे खास बात यह है कि इस बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों के अलावा थोक की अनेक दुकानें हैं, जहां से छोटा कारोबार करने वाले अपनी मनपसंद की चीजें ले जाकर उनका फुटकर व्यवसाय कर सकते हैं। चेन्नई का जॉर्ज टाउन मार्केट। चेन्नई का जॉर्ज टाउन मार्केट बहुत ही पुराना है। पहले इस मार्केट को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। इस मार्केट को सेंट जॉर्ज द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस मार्केट का नाम ब्लैक टाउन से जॉर्ज टाउन उस समय रखा गया जब 19वीं शताब्दी में किंग जॉर्ज भारत के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने इस मार्केट का भी दौरा किया था। इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि आज भी प्राचीन काल की तरह गृहस्थी में काम आने वाली प्रत्येक चीज की खरीद फरोख्त होती है। यहाँ पर कपड़े, राशन, सब्जी, फल, किचन के बर्तन, साफ सफाई का सामान, खेलकूद का सामान, आधुनिक सुविधा के सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि प्रत्येक चीज आज भी मिलती है। इस मार्केट में जहाँ बड़े बड़े शोरूम और शॉप और मिनी मार्ट है, वही यहाँ पर सड़क के किनारे पटरी पर व्यवसाय करने वाले लोग भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ की थोक मार्केट से सामान लेकर छोटे कारोबारी अपना व्यवसाय करते हैं। आज भी छोटे व्यवसायियों के लिए ये मार्केट काफी अच्छी है। हैदराबाद का लाड बाजार। हैदराबाद निजाम के नवाबों का शहर है। इस शहर का लाड बाजार प्राचीन काल से अपनी परंपरागत वस्तुओं के लिए आज भी मशहूर है। इस बाजार में सभी तरह की उपयोगी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ की परफ्यूम, साड़ियाँ, कढ़ाई, कशीदाकारी का सारा सामान और मोती महल मशहूर है। लोग इन वस्तुओं को लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। प्राचीन काल में ये मार्केट शौकीन नवाबों के लिए बनाई गई थी। उस समय भी यहाँ की मार्केट में मोती, माणिक्य, मुक्ता और इनके बने सामान, हार वगैरह बिकते थे। आज हार वगैरह पुराने जैसे तो नहीं बिकते हैं, लेकिन मोती और उनसे बनी ज्वेलरी अवश्य ही आकर्षण की वस्तुएं हैं, जो यहाँ आज भी बिकती हैं। हैदराबाद में लाड बाजार विश्व प्रसिद्ध चार मीनार के ठीक बगल में स्थित है। जयपुर का जौहरी बाजार। जयपुर ऐतिहासिक नगरी है। आजादी से पहले यहाँ पर राजाओं और महाराजाओं का राज हमेशा रहा है। राजाओं और महाराजाओं को खुश करने के लिए ये बाजार यहाँ के स्थानीय जौहरियों यानी आभूषण बनाने वालों ने प्राचीन काल में लगाया था। उस समय यहाँ पर तरह तरह के आभूषण और कपड़े आदि सामान बेचा जाता था। काफी जमाने बाद भी आज ये बाजार अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को समेटे हुए है। जौहरी बाजार के नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये बाजार ज्वेलरी यानी आभूषण का बाजार हो सकता है। इस बाजार में पोलकी ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी और जयपुर के विश्व प्रसिद्ध इनेमल से बनी मीनाकारी की ज्वेलरी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं यहाँ के चटक रंग वाले लहंगे, आकर्षक कढ़ाई वाले लहंगे, सोने चांदी के तार वाले लहंगे, यहाँ के विश्व प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कड़े और कंगन आदि भी बाजार के मुख्य आकर्षण की वस्तुएं हैं। ये बाजार जयपुर के राजसी, ठाट बाट और शानो शौकत की याद दिलाता है। यहाँ पर कपड़ों और लाख की चूड़ियों के कारोबार में छोटे कारोबारी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। मुंबई का चोर बाजार। मुंबई के इस बाजार का नाम सुनकर लोग अवश्य चौंक सकते हैं कि क्या इस बाजार में हमेशा से चोरों का कब्जा रहा है। यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है तो पूरी तरह से सही भी नहीं है। दरअसल ये बाजार ब्रिटिश राज में बना है। उस समय इस बाजार में सामान खरीदने के लिए इतनी भीड़ रहती थी कि हमेशा ही शोर शराबा होता रहता था। काफी शोर होने के कारण इस बाजार का नाम शोर बाजार रखा गया। इस बाजार में प्रत्येक चीज मिल जाती थी। बाद में इस बाजार का नाम चोर बाजार उस समय रख दिया गया जब इस मार्केट में कई बार चोरी का सामान बेचते हुए पकड़ा गया। इस बाजार में दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो यहाँ न बिकती हो। हाँ,
इस चोर बाजार की खास बात ये भी है कि यहाँ पर नया सामान तो बिकता ही है, साथ ही यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ सामान यानी सेकेंड हैंड सामान भी बेचा जाता है। इस बाजार की एक खास बात और है कि ये चोर बाजार पूरे दिन खुली रहती है। यहाँ पर ऐसी दुर्लभ चीजें बिकती मिल जाएंगी जो किसी भी बाजार में नहीं मिल सकती। यहाँ मिलने वाली दुर्लभ कलाकृतियाँ बहुत मशहूर हैं। यहाँ लोग अपने घरों को सजाने वाली इन दुर्लभ कलाकृतियों को खरीदने के लिए विशेष रूप से आते हैं। इस बाजार में बिकने वाली झुमकी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इन झुमकियों के शौकीन लोगों के बाजार में हमेशा भीड़ रहती है, क्योंकि इस तरह की झुमकियाँ केवल यहीं मिलती हैं और कहीं भी नहीं मिल सकती। यहाँ पर छोटे कारोबारी कम पूंजी लगाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड हैंड मार्केट में भी भाग्य आजमा सकते हैं। जोधपुर का सरदार मार्केट। राजस्थान की राजपूती आन बान शान का प्रतीक है जोधपुर का सरदार मार्केट। राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर ही सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान के इस ऐतिहासिक मार्केट की स्थापना जोधपुर के महाराजा रहे सरदार सिंह ने ही कराई थी, इसलिए ये सरदार मार्केट महाराजा सरदार सिंह के नाम से विख्यात हुआ है। प्राचीन काल में इस मार्केट में शादी ब्याह के समस्त सामान की बिक्री होती थी। ये मार्केट अपनी उसी परंपरा को कायम रखे हुए है। अब जमाने में आए बदलाव के कारण इस मार्केट में शादी ब्याह के सामान के साथ किसी तरह के भव्य कार्यक्रम के आयोजन का सारा सामान आसानी से मिल जाता है। इस मार्केट में बिकने वाली हस्तकला की वस्तुएं यानी हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स, मसाले, दुर्लभ कलाकृतियाँ, कपड़े मुख्य आकर्षण की चीजें हैं। इस बाजार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सामान बेचने वाले विक्रेता यानी दुकानदार राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं। इससे यहाँ का माहौल पूरी तरह से राजस्थानी रहता है, जो बाजार का मुख्य आकर्षण होता है। इस मार्केट में यहाँ मिलने वाला राजस्थानी जूता देश विदेश में मशहूर है। इस बाजार में आने वाला ग्राहक इन जूतों को तलाश कर खरीदता है। लोकल प्रोडक्ट की प्रमुख बाजार होने के कारण इस बाजार में छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इम्फाल का ईमा मार्केट। भारत के पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल की ये ईमा मार्केट ऐतिहासिक मार्केट है। इस मार्केट की सबसे आश्चर्यजनक और मजेदार बात यह है कि यह विश्व की पहली ऐसी मार्केट है जहां पर दुकानें सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। इसका मतलब यहां का सारा कारोबार महिलाओं के हाथ में ही रहता है। इस मार्केट में कोई भी पुरुष दुकानदार नहीं मिलेगा। यहां की महिलाएं आपको लंच पर सामाजिक और राजनीतिक बहस करती मिल जाएंगी। ये महिलाएं बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी दुकान चलाती हैं। मार्केट में लगभग 4000 महिला व्यवसायी अपनी दुकानें संचालित करती हैं। आप यहां पर मणिपुर के पारंपरिक वेशभूषा के कपड़े, मसाले, स्थानीय जड़ी बूटी आदि खरीद सकते हैं। इस मार्केट का कोई लिखित इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मार्केट सदियों से इसी तरह चली आ रही है। यहाँ पर पारंपरिक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। अब जमाना बदलने के कारण कुछ नई महिला व्यवसायियों ने नए ग्राहकों की पसंद को देखते हुए आधुनिक वस्तुओं की भी दुकानें खोल ली हैं। लखनऊ का अमीनाबाद। दिल्ली के मीना बाजार की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अमीनाबाद बाजार भी अपनी खास चीजों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। लखनऊ नवाबों का शहर रहा है। लखनऊ के नवाब अपनी अदाओं और शौक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। इन नवाबों के नवाबी शौक के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। नवाबों के समय में स्थापित अमीनाबाद बाजार यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन, चिकन की कढ़ाई के कपड़े, परफ्यूम और अन्य जरूरत के सामान के लिए काफी चर्चित था। यहाँ के बाजार की खासियत की चर्चा उस समय के राजा रजवाड़ों में अक्सर हुआ करती थी। अमीनाबाद बाजार में चिकन, चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, रेवड़ियाँ मुख्य आकर्षण है। यहाँ का चिकन का कुर्ता पैजामा, चिकन की साड़ियाँ, दुपट्टा आदि दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ का व्यापार काफी अच्छा है और छोटे कारोबारियों के लिए बहुत गुंजाइश है। वो यहाँ से काफी कुछ सीख सकते हैं। अतर बाजार कन्नौज। पृथ्वीराज सिंह चौहान और हर्षवर्धन जैसे ऐतिहासिक सम्राटों के नाम सामने आते ही कन्नौज नगरी का नाम याद आ जाता है। इस ऐतिहासिक नगरी की खासियत यहाँ के इत्र यानी परफ्यूम के बाजार की है। राजाओं और महाराजाओं के जमाने से यहाँ का इत्र बाजार पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ के इत्र का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरीके से होती है। यहाँ के इत्र के बारे में कहा जाता है कि मुगल काल में कई सम्राट यहाँ से प्रतिदिन अपने इस्तेमाल के लिए इत्र मंगाया करते थे। पहले ये नगर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आता था, लेकिन अब कन्नौज खुद जिला बन गया है। इसके साथ ही यहाँ के इत्र के कारोबार में भी तरक्की हुई है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अतर बाजार के नाम से कोई खास मार्केट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इत्र बनाने वालों की अपनी अपनी कोठियाँ हैं और उन्हीं कोठियों से थोक और फुटकर व्यापार किया जाता है। अब कन्नौज सिटी में कुछ इत्र की दुकानें लगने लगी हैं। यहाँ आपको सभी तरह के इत्र मिल जाते हैं। कन्नौज से भारी मात्रा में इत्र विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। छोटे व्यवसायी यहाँ पर इत्र के सहायक उद्योगों में काम करके लाभ कमा सकते हैं। सूरत का महाधरपुरा डायमंड मार्केट। गुजरात के सूरत शहर में महाधरपुरा डायमंड मार्केट अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए मशहूर है। यहाँ का गणेश चतुर्थी उत्सव मुंबई तक चर्चित रहता है। यहाँ पर सजने वाली गणेश जी की मूर्तियाँ दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं।
महाधरपुरा डायमंड मार्केट में हीरों की कटाई छटाई और चमकाने का काम होता है। सूरत शहर के व्यापारी दुनिया भर से बिना कटे हुए अर्थात खदानों से निकले हीरों का आयात करते हैं और फिर उन्हें तराश कर ऐसा निखारते हैं कि पूरी दुनिया के लोग चौंकते रह जाते हैं। इस बाजार की खासियत ये है कि यहाँ करोड़ों के हीरों का कारोबार सड़कों पर ही होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे शहरों में जिस तरह से किराने की दुकानें होती हैं, महाधरपुरा के डायमंड मार्केट में वैसे ही हीरे की दुकानें होती हैं। इसलिए इस मार्केट से छोटे कारोबारी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।